तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और आप संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। शाहरुख खान की फिल्म दंगी को लेकर नया अपडेट आया है। जावेद अख्तर ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में फिल्म के गाने से जुड़ी ताज़ा जानकारी साझा की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने डंकी के लिए गाना लिखा और उसी पर फिल्म खत्म होगी। इंटरव्यू में जावेद अख्तर से पूछा गया कि आपने शाहरुख खान के लिए कुछ बेहतरीन गाने लिखे हैं, फिर चाहे वो दर्द डिस्को हो या कल होना हो, आप फिर से डंकी में उनके साथ काम कर रहे हैं। इस पर जावेद अख्तर का कहना था, मैंने उस फिल्म के लिए सिर्फ एक ही गाना लिखा है, फिल्म उसी गाने पर खत्म होती है, वो फिल्म का आखिरी गाना है, वो गाना फिल्म की थीम को पूरा करता है। राजू हिरानी चाहते थे कि मैं फिल्म के लिए एक गाना लिखूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो गाना पसंद आएगा। वो अलग गाना है क्योंकि उसकी परिस्थिति बिल्कुल अलग है, आप हर सिचुएशन के हिसाब से गाना लिखते हैं। प्रीतम ने उसे अच्छे से कंपोज किया है, पहले मैंने लिखा उसके बाद प्रीतम ने गाने को कंपोज किया। आमतौर पर ऐसा होता है कि मुझे धुन पर लिखने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रीतम का बड़प्पन था जो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप गाना पहले लिख दीजिए, मैं धुन बाद में बनाऊंगा। 2 नवंबर यानी शाहरुख के जन्मदिन पर डंकी का पहला टीजर रिलीज किया गया। इसे मेकर्स ने ड्रॉप वन का नाम दिया। इसे साफ था कि मेकर्स और भी टीजर उतारने वाले हैं। फिर 5 नवंबर को ट्रेड वेबसाइट सैटनिल में छपा कि डंकी के कुल 5 टीजर आने वाले हैं, इन्हीं के जरिए मेकर्स फिल्म के किरदारों और फील से जनता का परिचय करवाएंगे। फिल्म का पहला टीजर बड़ा खुशनुमा किस्म का था, फन एलिमेंट के लिए जगह रखी, लेकिन डंकी सिर्फ हंसी मजाक की फिल्म नहीं, ये इलीगल इमिग्रेशन जैसे सीरियस मुद्दे पर बनी है। डंकी फ्लाइट के रास्ते जाने पर हर साल कितने ही लोग मारे जाते हैं, उस पक्ष को भी फिल्म में दिखाया जाएगा। ड्रॉप वन में दिखता है कि शाहरुख एंड टीम अपने बैग को लेकर आगे बढ़े जा रहे हैं, उनके पैरों के पास कंकाल पड़ा है। डंकी को उसका इमोशनल कोर यहीं से मिलेगा। बताया जा रहा है कि फिल्म के आखिरी टीजर में डंकी का ये वाला साइड दिखाया जाएगा। पठान और जवान से सबक लेते हुए शाहरुख ने इंटरव्यूज देना बंद कर दिया है। यहाँ भी वो मीडिया में आकर फिल्म प्रमोट नहीं करेंगे। डंकी को सिर्फ पोस्टर, टीजर और गानों के जरिए ही प्रमोट किया जाएगा। बता दें कि डंकी क्रिसमस 2023 पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमन ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। ये ना ये खत है उस गुलदान के नाम जिसमें रखा फूल कभी हमारा था। कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी आज़ादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। जानते हो अगर हज़ार बार जुल्फे ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।